बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में दलित वोट बैंक को साधने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकाय अर्जुन खड़गे 22 अगस्त को सागर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में खड़गे का यह पहला चुनावी दौरा होगा, जिसकी शुरुआत बुंदेलखंड अंचल के मुख्यालय सागर से हो रही है। वे सागर के कजलीवन मैदान में एक सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सागर में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाय अर्जुन खड़गे का यह दौरा कांग्रेस के लिए अहम है। वे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 का चुनावी शंखनाद करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के आने और जनसभा में भीड़ के बाद कांग्रेस के सामने एससी वर्ग को इस आयोजन में जोड़ने की बड़ी चुनौती है। मल्लिकाय अर्जुन खड़गे खुद एससी वर्ग से आते हैं। मध्य प्रदेश में 16.5%, बुंदेलखंड में 22% वोट एससी वर्ग का है। अपनी ही जाति वर्ग को साधने का उनका यह दौरा है। खड़गे के अलावा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव व कांतिलाल भूरिया, सांसद विवेक तनखा, सांसद नकुल नाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह सहित अनेक कांग्रेस के नेता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम तय हो गया है। करीब 1.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। वे 22 अगस्त की सुबह 11 बजे भोपाल से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 11:45 पर सागर पहुंचेंगे। सागर में 12 बजे वे कजलीवन मैदान में आयोजित जनसभा में शामिल होंगे। सभा को संबोधित करने के बाद वो दोपहर 1:30 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे। इस दौरान वे सागर में करीब 1.5 घंटा रुकेंगे।